हे गाइस, कॉमिक बुक यूनिवर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कॉमिक बुक बहुत कुछ मैन ऑफ स्टील मूवी से मिलती जुलती है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लार्क कैंट अपने शहर के एक मेट्रो स्टेशन से एक ट्रेन में बैठ जाता है। वो मेन सिटी की तरफ जा रहा है। वो रास्ते में कुछ सोच रहा है कि क्या उसे वो करना चाहिए जो करने वो मेट्रोपोलिस जा रहा है। मेट्रोपोलिस पहुंचकर वो एक रूम रेंट पे लेता है। होटल के स्टाफ की एक लेडी क्लार्क से पूछती है कि उसे कितने दिनों के लिए रूम चाहिए। तब क्लार्क कहता है कि वो नहीं जानता। तब वो लेडी कहती है कि उसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है और ये भी कि वो कब तक वहाँ रुकना चाहता है। इसके बाद क्लार्क शहर में घूमने निकल पड़ता है। वो एक कॉफ़ी शॉप से गुजरता है जहाँ वो एक खूबसूरत लेडी को देखता है और आगे निकल जाता है, जहाँ किसी गली में उसे एक लुटेरा दिखाई देता है जो क्लार्क को लूटना चाहता है। तब क्लार्क अपनी लेज़र बीम से उस लुटेरे को घायल करके चला जाता है। इसके बाद क्लार्क एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर के लिए ट्रायल देने जाता है, जहाँ सेलेक्टर क्लार्क का रेज्यूमे देखता है जिसमें लिखा है कि क्लार्क फुटबॉल में सारी पोजीशंस पे खेल सकता है। सबसे पहले सेलेक्टर क्लार्क को टैकल करने भेज देता है और उसके बाद एक एक करके उसको सभी पोजीशंस के लिए खिला कर देखता है। क्लार्क सभी पोजीशंस में नॉर्मल प्लेयर से काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई देता है। सेलेक्टर क्लार्क के खेल से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे टीम में लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद क्लार्क एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नियोडाइन जाता है। क्लार्क कहता है कि वो उस इंस्टीट्यूट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहता है। तब मैनेजर कहता है कि नियोडाइन इंडस्ट्रीज हर साल हॉवर्ड, येल और प्रिंसटन से 5 पीएचडी टॉपर्स को हायर करते हैं जो 4 साल वहाँ काम करते हैं। इसके बाद जाकर तब वो लोग R&D के लिए अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो क्लार्क को जॉब नहीं दे सकता। तब क्लार्क पूछता है कि उनके रिसर्चर्स किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैनेजर बताता है कि वो साल्ट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से 2 इक्वेशंस ही दूर हैं और 3 सालों से उन 2 इक्वेशंस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्लार्क मैनेजर को कागज़ पे कुछ इक्वेशंस लिख के देता है और मैनेजर को वो इक्वेशंस रिसर्चर्स को दिखाने के लिए कहता है। मैनेजर वो इक्वेशंस रिसर्चर्स को दिखाता है तो उसे पता चलता है कि जो इक्वेशंस वो 3 सालों से ढूंढ रहे थे वो उन्हें मैनेजर के लाए हुए पेपर पे मिल चुकी हैं। अब मैनेजर क्लार्क से इम्प्रेस हो जाता है और उसे जॉब पे लेना चाहता है। इसके बाद क्लार्क अपने रूम पे आता है जहां वो अपनी मदर को जॉब ऑफर्स के बारे में बताता है और बताता है कि इन जॉब से उनको इतना पैसा मिलेगा कि वो कई ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तब क्लार्क की मदर कहती है कि उन्हें इतने पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और क्लार्क को अपनी माँ के लिए पैसे जोड़ने के बजाय खुद के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या चाहता है। लेकिन क्लार्क जो कुछ भी चाहेगा उसकी मदर उसके डिसीजन में हमेशा उसका साथ देगी। इसके बाद क्लार्क कई और जॉब ऑफर्स भी ट्राई करके देखता है और लास्ट में वो डेली प्लैनेट न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है। पब्लिशर को क्लार्क का रिज्यूमे नहीं मिल रहा। तब पब्लिशर की असिस्टेंट डेबी आकर पब्लिशर को क्लार्क का रिज्यूमे देती है। पब्लिशर रेज्यूमे में देखता है कि क्लार्क ने पहले भी एज ए रिपोर्टर काम किया हुआ है। तब वहाँ पे लुइस लेन आती है जो पब्लिशर से कहती है कि उसने मेरी न्यूज़ के लास्ट पैराग्राफ को क्यों काट दिया। तब पब्लिशर कहता है कि लुइस की न्यूज़ कम और स्टोरी ज़्यादा लगती है और उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तब वहाँ पे ओलसिन आता है। तब पब्लिशर कहता है कि ओलसिन ने अभी तक कार एक्सीडेंट की फ़ोटोज़ अपलोड क्यों नहीं की। तब ओलसिन कहता है कि सर्वर डाउन हो गया था और इसलिए अब वो दोबारा अपलोड करने जा रहा है। इसके बाद पब्लिशर क्लार्क को बताता है कि डेली प्लैनेट काफ़ी घाटे में चल रहा है, लेकिन पब्लिशर हार नहीं मानेगा। अगर क्लार्क चाहे तो वो उनके साथ काम कर सकता है। इसके बाद पब्लिशर क्लार्क को एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर क्लार्क वहाँ से बाहर निकल जाता है और डेली प्लैनेट को एक घाटे की कंपनी सोचकर उसके एप्लीकेशन फॉर्म को डस्टबिन में फेंक देता है। वो हवा में उड़ जाता है और स्पेस में चला जाता है। इसके बाद क्लार्क अपने बचपन के बारे में सोचता है, जहां वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है।
तब उसके पेरेंट्स ने बताया कि एक दिन वो जंगल से गुजर रहे थे, तभी वहाँ पे ज़ोर से आवाज़ करते हुए एक स्पेसशिप क्रैश हुई। उन्होंने देखा कि उस शिप में एक बच्चा है, जबकि शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कैंट्स उस बच्चे को उन्हीं कपड़ों में उठा कर ले आते हैं जिनमें वो लिपटा हुआ था, और साथ में उस शिप का एक पार्ट भी ले आते हैं। इसके बाद उस जंगल में आर्मी हेलीकॉप्टर्स उस शिप को ढूंढते हुए आते हैं। इसके बाद कैंट्स उस बच्चे को लेकर वहाँ से छिप कर चले जाते हैं। वो जाते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने उनसे बच्चे के बारे में पूछा तो वो कह देंगे कि वो उसकी बहन का बेटा है जो शिकागो में रहती है। इसके बाद क्लार्क की मदर क्लार्क को उस शिप का टुकड़ा दिखाती है। जोनाथन क्लार्क बताता है कि उन्होंने इसके पार्ट्स का इंस्पेक्शन करवाया था, जिससे उनको पता चला कि क्लार्क इस दुनिया से नहीं है बल्कि स्पेस से आया है। इसके बाद क्लार्क याद करता है कि कैसे बचपन में वो अपने साथ के बच्चों से पिटा करता था। अब प्रेजेंट में क्लार्क उड़ता हुआ अपने फादर जोनाथन कैंट की ग्रेव के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो सब नहीं कर सकता जो उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था। वो एक जॉब नहीं करना चाहता, वो पहले भी अकेला था, और जब वो दुनिया को अपनी पावर्स दिखा देगा तब भी उसे चिप के अकेले ही रहना पड़ेगा। वो अर्थ से बुराइयों को मिटाना चाहता है और कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहता है। इसके बाद क्लार्क वहाँ से चला जाता है। एक दूसरे सीन में हमें मेजर सैंड्रा ली दिखाई देती हैं। मेजर एक सिक्योर फैसिलिटी में जाती हैं। अंदर जाकर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे वही शिप रखा गया है जिसके अंदर क्लार्क आया था। इस शिप के अंदर कुछ सीक्रेट लैंग्वेज है जिसको वो लोग डिकेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता चला कि वो शिप खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर कर सकती है, इसीलिए उन्होंने शिप के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मंगवाया है। उस माइक्रोस्कोप का यूज़ करने पे उनको पता चला कि उस शिप के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये किसी को नहीं पता। तब मेजर सैंड्रा ली को एक कॉल आता है जो मेजर को बताता है कि उन्हें आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं। तब हमें दिखाई देता है कि क्लार्क अपने होटल की तरफ जा रहा है, तभी वो देखता है कि उसके होटल रूम में आग लग गई है। क्लार्क जल्दी से अपनी सुपर पावर्स यूज़ करके लाइट की स्पीड से अपने रूम में जाता है। अपने रूम में घुसकर क्लार्क अपनी कॉस्ट्यूम और अपनी शिप का टुकड़ा लेकर बाहर आसमान में चला जाता है। क्लार्क देखता है कि उस टुकड़े से कुछ एनर्जी निकल रही है। क्लार्क उस एनर्जी का पता लगाने के लिए अपनी सुपर ह्यूमन आँखों से उस टुकड़े के मॉलिक्यूल्स के अंदर देखता है। उसे भी इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। तभी उस टुकड़े से एनर्जी बीम क्लार्क को लगती है, जिससे क्लार्क बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो टुकड़ा क्लार्क से कनेक्शन कर लेता है और मेन शिप की लोकेशन ढूंढने लगता है। वहीं मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर साइंटिस्ट देखते हैं कि मेन शिप के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है, जिससे बहुत सारी एनर्जी यूज हो रही है। वहीं मेजर सैंड्रा ली को खबर मिलती है कि एलियन ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे हर जगह फैल चुके हैं। उधर डेली प्लैनेट के ऑफिस के अंदर से हमें एलियन शिप्स का एक पूरा नज़ारा दिखाई देता है। आर्मी फाइटर प्लेन्स उन शिप का पीछा करने लगते हैं, तभी एलियन शिप्स आर्मी शिप्स पे अटैक कर देती हैं और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। डेली प्लैनेट के ऑफिस में लुइस लेन और ओलसिन एलियंस की फोटोग्राफ लेने बाहर चले जाते हैं। ओलसिन बाहर निकलता है और खतरे की परवाह ना करके लड़ाई की फोटोग्राफ्स लेने लग जाता है। वहीं वर्ल्ड के हर कोने से लड़ाई की खबर सामने आ रही है। ये एलियन शिप्स हर जगह तबाही मचा रही हैं। इन शिप्स का मेन कमांड वेसल मेट्रोपोलिस शहर में दिखाई देता है, जहां डेली प्लैनेट के ऑफिस भी मौजूद है। हर जगह न्यूज़ के अंदर एलियन इन्वेजन की खबर आ रही है। वहीं क्लार्क अभी भी बेहोश है। क्लार्क की शिप का पार्ट मेन शिप से कॉन्टैक्ट कर लेता है और मेन शिप फिर से ठीक होने लगती है। यह शिप एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करके अपने डैमेज पार्ट्स को ठीक कर रही है। पूरी तरह ठीक होने के बाद क्लार्क के पास जो शिप का पार्ट है वो उस शिप के इलेक्ट्रॉन्स पे लिखी सारी इन्फॉर्मेशन डिकोड करके क्लार्क के दिमाग में डालने लगता है। अब क्लार्क को उसके प्लेनेट क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने से पहले के मोमेंट्स दिखाई देते हैं, जहाँ क्लार्क के असली पेरेंट्स प्लैनेट क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने का वेट कर रहे हैं ताकि उसकी शॉक वेव्स के साथ वो क्लार्क को वहाँ से छिपकर भेज सकें। अगर वो पहले उस शिप को भेजते हैं
तो अटैकर्स को पता चल जाएगा कि कोई शिप प्लैनेट से बाहर गई है और वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने की शॉक वेव के साथ ही वो क्लार्क की शिप को प्लैनेट से बाहर भेज देते हैं। क्लार्क इतनी सारी इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाता और वो जाग जाता है। जागने के बाद क्लार्क देखता है कि एलियंस अर्थ पे अटैक कर रहे हैं। अब क्लार्क एलियन से लड़ने निकल पड़ता है। इधर ओल्सन लुईस लेन को बताता है कि एलियंस मिलिट्री बेस पे अटैक करने वाले हैं और वो लोग पिक्चर्स लेने के लिए मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि एलियंस ने मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो दोस्तों, इस पार्ट को मैं यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को पार्ट्स में ना दिखाकर एक पूरे लंबे वीडियो में दिखाऊँ तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो मैं आगे कल इसका अगला पार्ट अपलोड कर दूँगा।